हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असे एजुकेशन। आज हम करेंगे RBSC की 6th क्लास की संस्कृत की बुक रंजनी का 12वां चैप्टर सुभाषितानी। ये जो चैप्टर है इसमें बहुत ही सुंदर वचन है, तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या कहा गया है। पहला श्लोक है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोप सेवनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम्। तो पहले हम करेंगे इसका अन्वय। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धानां सेवनः तस्य आयु विद्या यशः बलम चत्वारि वर्धन्ते। अब देखते हैं कि इसका क्या अर्थ होगा। तो अभिवादनशीलस्य, जो अभिवादन करता है मतलब नमस्कार आदि करता है, नित्यं वृद्धानां सेवना और प्रतिदिन वृद्धानां बुजुर्गों की सेवना सेवा करता है। तो जो अभिवादनशील है और प्रतिदिन बुजुर्गों की सेवा करता है, तस्य उसके आयु विद्या यशः बलम, आयु विद्या यश और बल चत्वारि वर्धन्ते, चार बढ़ते हैं। तो जो अभिवादनशील है मतलब जो नमस्कार आदि करता है और प्रतिदिन बुजुर्गों की सेवा करता है, उसकी आयु विद्या यश और बल, इन चार चीज़ों में वृद्धि होती है। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, उनको नमस्कार आदि करना चाहिए। इससे क्या होता है, आयु विद्या यश और बल, इन चार चीज़ों में वृद्धि होती है। आपका अगला श्लोक है, उद्यमा साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमः षड एते यत्र वर्तन्ते तत्र देवा सहायकृत। तो पहले हम करेंगे इसका अन्वय। यत्र उद्यमः साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमः षड एते, तो एते षड वर्तन्ते तत्र देवा सहायकृत। तो क्या अन्वय हुआ इसका, यत्र उद्यमः साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमः एते षड वर्तन्ते तत्र देवा सहायकृत। तो इसका क्या अर्थ होगा, यत्र जहाँ उद्यम परिश्रमी, साहस साहसी, धैर्य धैर्यवान, बुद्धि बुद्धिमान, शक्ति शक्तिशाली, पराक्रमः पराक्रमी, एते षड वर्तन्ते, ये छः होते हैं, मतलब ये छः गुण जिसमें हैं, तत्र देवः सहायकृत, ईश्वर उसकी सहायता करता है। तो वहाँ क्या होता है, जो ईश्वर होता है वो भी उसकी सहायता करता है। तो परिश्रमी, साहसी, धैर्यवान, बुद्धिमान, शक्तिशाली और पराक्रमी, ये छः गुण जिसमें हैं, ईश्वर भी उसकी सहायकृत सहायता करता है। तो वहाँ ईश्वर भी उसकी सहायता करता है। आपका अगला श्लोक है, वरम एको गुणी पुत्रो नाचा मूर्ख शतान्यपि एक चंद्र तमोहंती नाचा तारा गरो अपि सा। तो पहले हम करेंगे इसका अन्वय। सह एक गुणी पुत्र वरम मूर्ख शतान्यपि चाना एक चंद्र तमोहंती तारा गरहे अपि चाना। तो इसका क्या अर्थ होगा, सह एका गुरीपुत्र वरम, वह एक गुरीपुत्र मतलब गुरीपुत्र जिसमें बहुत सारे गुण होते हैं, वरम माने अच्छा, वह एक गुरीपुत्र अच्छा है, मूर्ख शतान अपि चाना, और मूर्ख 100 पुत्र भी नहीं, मतलब 100 मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक गुणवान पुत्र श्रेष्ठ होता है। एक चंद्र तमोहंती, एक चंद्रमा अंधकार को हंती माने नष्ट कर देता है, तो एक चंद्रमा अंधकार को नष्ट करता है, तारा गली अपि चाना, तारों का समूह भी नहीं। तो यहाँ पर कहने का अर्थ यही है कि अगर 1000 पुत्र हैं लेकिन वो किसी काम के नहीं हैं, मूर्ख हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक पुत्र है अगर वो गुणवान है, उसमें बहुत से गुण हैं, तो वो क्या करता है, परिवार का नाम ऊँचा कर देता है। जैसे कि आकाश में बहुत से तारे होते हैं लेकिन उनकी रोशनी नहीं होती, उनका प्रकाश नहीं होता, लेकिन एक चंद्रमा क्या करता है, पूरे आकाश को, पूरे संसार को प्रकाशित कर देता है। अगला श्लोक है, काका कृष्णा पिका कृष्णा को भेदा पिक काकयो बसंत काले संप्राप्ते काका काका पिका पिका। तो इसका क्या अन्वय होगा, काका कृष्णा पिका कृष्णा पिक काकयो को भेदा बसंत काले संप्राप्ते काका काका पिका पिका। तो इसका क्या अर्थ होगा, काका कृष्णा कौआ काला होता है, पिका कृष्णा कोयल भी काली होती है, पिक काकयो को भेदा कोयल और कौए में
क्या भेद है? बसंत काले संप्राप्ते, बसंत काल आने पर काका काका पिका पिका, कौआ कौआ होता है, कोयल कोयल होती है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या भावार्थ हुआ कि जो कौआ होता है वो भी काला होता है, जो कोयल होती है वो भी काली होती है, तो दोनों का कलर एक सा होता है, तो पता नहीं चलता कि कौन सा कौआ है कौन सी कोयल है। लेकिन जब बसंत ऋतु आती है तो दोनों की बोली सुनकर हमें पता चल जाता है कि कौन सा कौआ है कौन सी कोयल है, क्योंकि जो कौआ होता है उसकी ध्वनि जो होती है वो कर्कश होती है, और जो कोयल होती है उसकी जो आवाज़ होती है बहुत मीठी होती है, जिससे हमको बसंत ऋतु आने पर पता चल जाता है कि कौन कौआ है और कौन कोयल है। अगला है, विद्युतम च निपत्तम च न एव तुल्यम कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो पहले हम करेंगे इसका अन्वय। विद्युतम निपत्तम च कदाचन न एव तुल्यम, राजा स्वदेशे पूज्यते च विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो क्या अर्थ होगा इसका, विद्युतम निपत्तम च कदाचन न एव तुल्यम, विद्युता और शासकता कभी भी न एव तुल्यम समान नहीं होती, क्योंकि राजा स्वदेशे पूज्यते, राजा अपने देश में पूजा जाता है, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, लेकिन विद्वान सब जगह पूजा जाता है। तो विद्वता और शासकता कभी भी समान नहीं होती है, क्योंकि राजा अपने ही देश में पूजा जाता है लेकिन विद्वान सब जगह पूजा जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो राजा होता है उसकी पूजा जो होती है वो अपने देश में होती है। राजा अगर कहीं चला जाता है तो हो सकता है दूसरे देश में उसको लोग ना जानते हों, लेकिन अगर विद्वान किसी भी देश में चला जाता है तो उसकी हर जगह पूजा होती है। तो इन पांचों श्लोकों में से जो पहला श्लोक है उसमें बताया गया था, जो अभिवादनशील है और प्रतिदिन बुजुर्गों की सेवा करता है उसके जीवन में इन चारों आयु, विद्या, यश और बल की वृद्धि होती है। और दूसरा श्लोक था, उसमें कहा गया था, परिश्रमी, साहसी, धैर्यवान, बुद्धिमान, शक्तिशाली और पराक्रमी, ये छह गुण जिसमें हैं ईश्वर भी उसकी सहायता करता है। जो अगला श्लोक था उसमें बताया गया था, 100 मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक गुणवान पुत्र श्रेष्ठ होता है, जैसे हजारों तारे अंधकार को नष्ट नहीं करते, अकेला चंद्रमा अंधकार को नष्ट करता है। अगला है जिसमें बताया गया है, कौआ काले रंग का होता है, कोयल भी काले रंग की होती है, कौआ और कोयल में क्या अंतर है? तो बसंत ऋतु आने पर कौआ कौआ होता है और कोयल कोयल होती है। अगला है, विद्वता और शासकता कभी भी समान नहीं होती है, क्योंकि राजा अपने ही देश में पूजा जाता है लेकिन विद्वान सब जगह पूजा जाता है।